आरपीएफ थाना अंतर्गत ट्रेन में गांजा ले जाते हुए आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके पास से पूरा गांजा जब्त कर लिया है और आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नागपुर मंडल श्री आशुतोष पांडेय महोदय के निर्देशानुसार नशीले पदार्थ की तस्करी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। निर्देशानुसार 8 जून को खुफिया शाखा नवीन प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चलती गाड़ी में नशीले पदार्थ की तस्करी के रोकथाम ड्यूटी के लिए ट्रेन में तैनात किया गया था, जिनकी सूचना पर आरपीएफ थाना नागपुर द्वारा ट्रेन विशाखापट्टनम नई दिल्ली एक्सप्रेस को नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक पर चेक करते समय सीट के नीचे रखे हुए रंग बिरंगी 4 बैग संदेहजनक मिले। चेक करने पर उसमें से गांजा जैसी तेज गंध आ रही थी। इस संदर्भ में सीट पर बैठे 3 संदिग्ध व्यक्ति तथा 1 संदिग्ध महिला से उक्त 4 बैगों के संबंध में पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर बैग के अंदर की वस्तुओं के संबंध में गहनता से पूछताछ की गई। इस मामले में 3 बैगों में गांजा होने की जानकारी उन्हें दी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों को तथा संदिग्ध महिलाओं को गिरफ्तार किया है और पूरा गांजा जब्त कर लिया है। पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बुकड़े के साथ वैदी चव्हाण की रिपोर्ट। माननीय डीजी महोदय आरपीएफ के मार्गदर्शन में माह जून 2022 को एक तस्करी करने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा श्री आशुतोष पांडे साहब के निर्देशानुसार नागपुर मंडल से गुजरने वाली गाड़ियों को विशेष चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान दिनांक 8/6/2022 को निरीक्षक अपराध खुफिया शाखा श्री नवीन प्रताप सिंह एवं निरीक्षक आरपीएफ थाना नागपुर आरएल मीना के मार्गदर्शन में ड्यूटी स्टाफ जसवीर सिंह, नवीन सिंह, मुकेश राठौर, सागर लाखा, अजय सिंह, राजू मीना तथा उर्मिला शर्मा द्वारा ट्रेन नंबर 20805 को नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चेक करने के दौरान कोच नंबर B1 एवं S5 से कुल 7 संदिग्ध व्यक्ति को, जिसमें 5 पुरुष एवं 2 महिलाएं को 8 बैग संदिग्ध के साथ उतारा। उतारने के बाद श्रीमान सहायक सुरक्षा आयुक्त श्री कोटा जोजी साहब के उपस्थिति में पंचनामा किया गया, जिसमें बैगों को खोलने पर उसमें कुल 107 किलो गांजा मिला, जिसकी अंदाजन कीमत लगभग 16 लाख रुपए और उनके ताबे से जब्त किया गया। पकड़े गए सभी आरोपी विशाखापट्टनम से नई दिल्ली जा रहे थे और विशाखापट्टनम से गांजा प्राप्त करके दिल्ली में कहीं सप्लाई करने वाले थे, जिसकी जांच जारी है। उक्त सभी को, पकड़े गए आरोपियों को भी जीआरपी में सुपुर्द किया गया है, जिनके खिलाफ नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में कार्रवाई जारी है। उक्त कार्रवाई श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा श्री आशुतोष पांडे साहब के मार्गदर्शन में की गई है तथा भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।